मैं हमेशा आपके बारे में सोचा करती थी, सोचती थी कि मेरी मॉम कैसी दिखती होंगी, क्योंकि मेरे पास आपकी कोई फोटो नहीं थी। अगर आपके बारे में मुझे पहले से पता होता तो मैं बिल्कुल दुखी नहीं होती, बिल्कुल नहीं रोती, बल्कि खुश रहती ये सोचकर कि मुझे आपके साथ नहीं रहना पड़ा। वेलकम। मुझे लगा तुम नहीं आने वाली, इसलिए मैं ही चला आया। क्या हुआ? अंदर आओ। क्या हुआ तुम्हें, चुप क्यों? क्या हुआ तुम्हें, ऐसे शांत क्यों हो तुम? तुम्हें पता है ये सब मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं, और ये सब मुझे और सता रहा है। क्या ये ओइको की वजह से हो रहा है? तुम्हें पता है ये सब फैमिली इश्यूज, मां बाप, ये सब चीजें, ये सब चीजें मुझे मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। फिर मत सोचो इस बारे में। मेरा मतलब है तुम्हें किसी और चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस्टर देमिर, क्या कुछ पता चला? हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ओइको कैसी है मिस्टर देमिर? मरचान कुछ कहना चाहता है। मुझे माफ कर दीजिए देमिर अंकल। इधर आओ। ओइको जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। मिस्टर देमिर, ओइको होश में आ गई है और उसकी कंडीशन अब ठीक है। मेरा मतलब अब परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम उसे थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कल उसे डिस्चार्ज दे देंगे। क्या मैं उसको देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, वो आपके बारे में ही पूछ रही थी। नर्स उसे दूसरे रूम में ले गई है, आप वहाँ उसे देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है, ये सब आखिर क्यों हो रहा है? ओइको से मिल लीजिए, फिर हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? जाइए। नर्स दीदी, इसे निकालिए ना, मुझे दर्द हो रहा है। अभी नहीं ओइको बेटा, देखो मैंने अभी सलाइन लगाई है, ये खत्म हो जाएगी ना तो निकाल देंगे, ठीक है? ठीक है। बेटा। पापा। बेटा ओइको। पापा। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन डॉक्टर अंकल ने कहा कि तुम ठीक हो। समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, मुझे अचानक चक्कर आ गया और फिर मैं सो गई, पर अब मैं ठीक हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत थक गई थी, तुम पढ़ाई भी कर रही थी, होमवर्क भी कर रही थी और प्ले की तैयारी भी कर रही थी, इसलिए अब तुम आगे से कोई प्ले नहीं करोगी, समझी? अब तुम सिर्फ घर से स्कूल और स्कूल से घर आओगी, उसके सिवा और कोई काम नहीं करोगी। ओके पापा। कोई परवर नहीं चलेगा। देखो आंखें खोलते बदमाश ने मुझसे बहस करना शुरू कर दिया। जानदान दीदी। ओइको, ओइको तुम बिल्कुल ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक। हाँ मैं ठीक हूँ। पापा, अब मैं ठीक हूँ, क्या हम घर चलें? ओइको बेटा, अब तुम ठीक हो, पर हम तुम्हें आज के दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, ठीक है? पर क्यों, मुझे कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रिकॉशंस के लिए और कुछ नहीं। हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे और मुझे ये भी बताया कि घर जाने पर तुम अपने पापा की बात नहीं मानोगी और आराम भी नहीं करोगी।
तुम आज के लिए हमारे मेहमान हो, हम कल तुम्हें डिस्चार्ज दे देंगे, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, जरूर डॉक्टर, हम यहाँ पर साथ में गेम्स खेलेंगे, पर तुम लेट कर ही खेलोगी। हाँ मैं तुम्हारे लिए बुक्स पढ़ूंगा, ब्लॉन्डी बॉय की बुक्स। मिस्टर देमिर, मैं मेरे ऑफिस में आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाइए। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ मैं अभी आता हूँ। ओइकू, पता है तुमसे मिलने कौन आया है? कौन? मार्शान। क्या मार्शान? हाँ, मार्शान को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, वो बाहर वेट कर रहा है तुमसे मिलने के लिए। क्या वो मुझे मिलने आएंगे? हाँ। इस रूम में? हाँ। रुको 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 रुको, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ, आराम से आराम से, इधर आ। ओइकू बेटा, मेरा काम अब हो गया है, ठीक है? अब तुम्हारी मॉम जो आ गई ठीक है। ठीक है नर्स दीदी, कोई परेशानी हुई तो ये बटन दबा देना, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर एहसान, सब ठीक तो है ना? बैठ जाइए प्लीज। मिस्टर देमिर, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक बैड न्यूज है। क्या मतलब? लेकिन मेरी बच्ची तो ठीक है, सब ठीक ही तो लग रहा है ना? हाँ वो अभी तक तो ठीक लग रही है, पर उसे एक सीरियस अटैक आकर गया है, और ये ओइकू का फर्स्ट अटैक है। फर्स्ट से आपका मतलब? मेरा मतलब उसे और भी अटैक्स आ सकते हैं। एक्चुअली इस उम्र में ये सब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या हाल फिलहाल में ओइकू के साथ कोई बुरा किस्सा हुआ है जिससे वो बहुत परेशान हुई हो? मेरा मतलब डेली लाइफ से बढ़कर कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद ना हो। हाँ हुआ है डॉक्टर, उसकी माँ जिसे हम मरा हुआ सोच रहे थे वो अचानक वापस आ गई। कैसे? आप जो कह रहे हैं वो किसी हेल्दी एडल्ट को भी ट्रॉमा में डाल सकता है। क्या उसकी मां को इस बारे में पता है? मिस्टर देमिर, ओइकू को कोई भी स्ट्रेस या परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि उसकी मां को ओइकू की इस बीमारी के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं नहीं, आप उस औरत को नहीं जानते, इस बारे में वो ना जाने तो ये अच्छा है। ये सब मेरी ही गलती है, मैं अपनी बच्ची को उस औरत से दूर ना रख सका, उसने आते ही सब कुछ खराब कर दिया डॉक्टर साहब। ठीक है मिस्टर देमिर, अपने आप को मत कोसिए, अब जो हो गया वो हो गया, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। ओइकू को अब से हेल्दी खाना खिलाना होगा, उसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने पहले भी कहा, ओइकू को किसी भी तरह के स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट से दूर रखना होगा। वो आज रात यहीं रहेगी, आप उसे कल घर ले जा सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। और आपको भी अब स्ट्रांग रहना होगा प्लीज, जैसा मैंने कहा ओइकू को हमेशा खुश रखना होगा, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। थैंक यू। मुझे कॉल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे क्यों बात कर रहे हो, अब क्या हुआ? मेरी बच्ची तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हॉस्पिटल में? मतलब पता नहीं तुमने उसे इतना क्या परेशान किया कि वो स्कूल में ही बेहोश हो गई। देखो आंसू, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी बच्ची से दूर रहो, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया है, समझे? तुम ये सब क्या बात कर रहे हो, कौन सा हॉस्पिटल, मुझे बताओ तुम क्या हुआ है? बंद करो, हमारी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझे?
क्या हुआ, क्या कहा उसने? ओइको हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कह रहा था कि वो मेरी वजह से एडमिट हुई है। ओ अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में? ये उसने नहीं बताया मुझे। कोई बात नहीं, मैं बता करता हूँ। हेलो, कैसे हो आरिफ? ओइको, तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लग रहा है, मैं बहुत डर गया था। वैसे मरचान, अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो गई हूँ, सच में। ऊपर वाले का शुक्र है। चलो अब हम चलते हैं मरचान, ओइको को आराम हाँ, करने दो। चले मरचान। एक्सक्यूज मी टीचर, मरचान मैंने प्ले खराब कर दिया, आई एम सो सॉरी। कुछ भी बातें मत करो, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, प्ले तो हम बाद में भी कर सकते हैं। इसने बिल्कुल ठीक कहा, तुम इस बारे में सोचो मत, ठीक है, बस जल्दी से ठीक हो जाओ और उसके बाद हम ये प्ले नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से करेंगे। ओके, समझ गई ना माय प्रिंसेस ओइको? चलो ओइको, जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक यू सो मच आंटी। फिर मिलेंगे ओइको। बाय बाय मरचान। मिस शांतन, मिस्टर उर्क कहाँ है? वो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। मिस्टर उर्क? हाँ, मिस्टर देमिर के खास दोस्त। हाँ पता है, मैंने उन्हें कॉल किया था पर लगा नहीं, इसलिए थोड़ी फिक्र हो रही थी। हाँ, मुझे भी अभी तक नहीं दिखे। ठीक है, तो फिर हम जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है, बाय। थैंक यू, फिर बाय। ओके, ओइको डियर, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं तो जेलस हो रही हूँ। जेलस मत फील करिए, आई लव यू सो मच, आपसे और पापा से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे पता है बेटा, पता है मुझे, मैं बस मजाक कर रही थी। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तुम इतनी प्यारी जो हो, मेरी प्रिंसेस। प्रिंसेस? पापा? मैं आ गया। क्या हुआ पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर अंकल ने, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी वही कहा जो मैंने कहा था कि तुम थक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। देमिर, मैं पानी लेने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। पापा? हाँ। मुझे सच सच बताइए, डॉक्टर अंकल ने क्या कहा? क्या मैं मेरी बीमारी की वजह से बेहोश हो गई थी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी, इसलिए तुम बेहोश हो गई, और कोई बात नहीं है बेटा। और ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा सही से ख्याल नहीं रखा। लेकिन आज के बाद हम दोनों अच्छे से आराम करेंगे, ठीक है? क्या तुम्हें पता है, मरचान को भी तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। क्या मैं उसको पसंद करता हूँ थोड़ा थोड़ा? मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मरचान प्रिंसेस की तरह ही है। ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ कहा ही नहीं, कुछ भी नहीं कहा। अब कोई प्रिंस और प्रिंसेस नहीं, समझ गई तुम? और ना ही कभी होंगे, अब सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों ही होंगे। और अब से तुम वो कॉस्ट्यूम्स पहने रहना, क्योंकि ठंड का मौसम भी है और तुम वीक भी हो गई हो, उससे गर्मी मिलेगी। ओ बेटा, अब तुम घर जाते वक्त क्या पहनोगी बोलो? अरे हाँ, अब मैं क्या पहनूंगी? मैं काम करता हूँ, घर जाकर तुम्हारे लिए और कपड़े लेकर आता हूँ। ओके, वेल मिसेस चांदन, मैं जरा घर जा रहा हूँ, ओइकू के कपड़े लाने हैं, इसलिए जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। अगर कुछ हो गया मैं तो कॉल कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ मेरी प्रिंसेस। ओके, सब ठीक तो है ना मेरे भाई? डॉक्टर ने क्या कहा? ओइकू ठीक तो है ना? मैं बाद में तुझे सब बताता हूँ, पहले जल्दी से जल्दी घर पहुँचते हैं। चल ठीक है, ठीक है, घर चलते हैं। जाओ जाकर आओ, मैं तुम्हारा यहाँ वेट करता हूँ। ठीक है। मेरी तरफ देखो, देमिर के साथ कोई भी बहस मत करना। बताओ मत, मैं जानती हूँ क्या करना है।
थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, इतना काफी है? हाँ, अब ठीक है। क्या हुआ है आंसू? आप क्या आंसू? हाँ क्या, तुम हमेशा इसके इर्द गिर्द क्यों रहती हो? ओइकू अकेली क्यों है? देमिर कहाँ है? मिस आंसू, आपको दिखाई नहीं देता मैं अकेली नहीं हूँ, जानदान दीदी मेरे साथ है। और पापा यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरे कपड़े लाने गए हैं। दैमिर ने मुझे कहा कि तुम हॉस्पिटल में हो तो बहुत फिक्र हो रही थी। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिना बात के परेशान मत होइए। देखिए मिस आंसू, ओइकू की इम्यून सिस्टम वीक हो गई है थकान की वजह से, आज हॉस्पिटल में रहेगी, कल इसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। क्या तुम्हारी हालत मेरी वजह से हुई है? दैमिर ने ऐसा कहा। वो कैसे? क्या तुम इस वजह से बेहोश हुई क्योंकि मैंने अपसेट किया? ओके मिस जानदन, क्या आप मेरी बेटी को मेरे साथ अकेला छोड़ेंगी? मुझे बात करनी है। प्लीज मिस जानदन। ओइकू मैं दरवाजे के पास ही खड़ी, कोई जरूरत हो तो आवाज दे देना, ठीक है? देखो ओइकू, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ और तुम्हारे पापा के साथ और खुद के साथ भी, सबके साथ गलत किया, पर तुम मुझे नहीं चाहती, ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ ओइकू। पर आप भी तो मुझे नहीं चाहती हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब कि मैं अपने फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं आता है ये सब। और कल जब तुमने ऐसे रिएक्ट किया तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे मेरे बड़े दिखने से जज मत करो, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ ओइकू। ओइकू डियर, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। फिर चाहे कुछ हो जाए, और मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहती हूँ। मैंने तुम्हें अपने मन से कभी अकेला नहीं छोड़ा, मेरा मतलब तुम समझ जाओगी, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपने बारे में और भी कई बातें बताऊंगी, और मुझे पता है कि जैसे जैसे तुम बड़ी हो जाओगी ना, तुम मुझे समझने लग जाओगी ओइकू। रुको,
मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मुझे पता है तुम इससे खेलना नहीं चाहती हो। जब मैं छोटी थी ये डायरी लिखती थी तो मुझे लगा शायद तुम भी लिखती होगी। इसमें एक लॉक है, ये देखो, मतलब इसे तुम जो भी इसमें लिखोगी कोई पढ़ नहीं पाएगा। मैं इसे यहाँ रख रही हूँ, तुम चाहो तो इसे यूज कर सकती हो या फिर फेंक दो इसे। अब मुझे चलना चाहिए, जाती हूँ मैं। आप जा रही हैं? हाँ, उसे अब आराम करना चाहिए। मिस जानदन, एक दूसरे को जानने में और समझने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है जमाल ने तुम्हें बताया ही होगा, ओइकू के जन्म से पहले मेरे हालात खराब थे। सब पैदाइशी लकी नहीं होते। और एक बात, डैमेज से बच के रहना। कहना क्या चाहती हो? यही कि डैमेज को तुम अभी ठीक से जानती नहीं हो, उससे जरा संभल कर रहना। मेरी बात ध्यान से सुनो। जज ने कोर्ट में क्या कहा था? हाँ, कोर्ट सिर्फ बच्ची की बात सुनेगा, ठीक है? तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्ची को बहकाना होगा, और अगर तुम ऐसे ही इमोशनल होती रही तो हम उसे अपने जाल में नहीं फंसा पाएंगे। मेरा मतलब, तुम्हें ऐसे इमोशनल में आकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट ने जो कहा उस पर ध्यान दो, डैमेज को सजा दिलाने पर ध्यान दो। सबसे पहले तुम्हें यह करना होगा, ओइकू को बहकाना होगा, ठीक है? और अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना चाहिए। आसू, देखो, अब तुम एक बेचारी मां हो जिसे अपनी बच्ची को छोड़ना पड़ा था, और यह नाटक पहले तुम्हें ओइकू के सामने करना है, फिर जानदान के सामने, और फिर जज के सामने। ओके, पर ओइकू इसमें नहीं फंसेगी, वो बहुत होशियार है, और ये सब नाटक मैं नहीं कर पाऊंगी। ये सब मेरे बस की बात नहीं है जेमाल। दुनिया का हर बच्चा अपनी माँ पर भरोसा करता है आंसू, फिर चाहे वो गलत क्यों ना हो। क्या तुम अपनी माँ पर नहीं करती?
सब सही जा रहा है? अच्छा जा रहा है, मतलब हमें ओइकू पर थोड़ी मेहनत और करनी होगी, पर जानदान फंस रही है। ओइकू को थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, पर तुम अपना काम जारी रखना, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं आंसू को इस सबसे दूर कैसे रखूंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आंसू का क्या करूं। अगर उसे ओइकू के बीमारी के बारे में बताया तो वो उसका फायदा उठाएगी, अगर नहीं बताया तो भी वो वही करने की कोशिश करेगी। अगर ओइकू को पता चला कि उसकी माँ ये सब पैसों के लिए कर रही है तो वो बिल्कुल टूट सी जाएगी यार। और डॉक्टर ने पहले ही वार्न कर दिया है कि ओइकू को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उसे दुख हो ऐसी कोई भी चीज उसके आमने सामने नहीं होनी चाहिए। अगर मैं उसे आंसू से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मैं बाप कहलाने के लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा बाप नहीं बन सकता यार, नहीं बन सकता। देख, शांत हो जा मेरे भाई, प्लीज शांत हो जा, बस थोड़ा सा सब्र रखने की कोशिश कर। अगर तेरी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी आंसू पर इतना ही गुस्सा होता। सच कहूं तो हम ये भी नहीं जानते कि वो आगे भी क्या करने वाली है, वो तो एक साइलेंट किलर की तरह है, हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तू ओइकू का अच्छे से ख्याल रख रहा है, ये बात मैं दिल से कह सकता हूँ। मैंने आज तक तेरे जितना केयरिंग बाप नहीं देखा, मेरे पापा भी मेरा इतना केयर नहीं करते थे और यही हकीकत है। भाई मेरे पापा ने कभी मुझे अपने कंधे पर नहीं बिठाया, वो कभी मुझे स्कूल तक नहीं ले गए, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन से क्लास में था। पर तू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, मैं जब भी तुम दोनों को देखता हूँ तो बहुत ही खुश होता हूँ कि तू एक केयरिंग डैड है। देख मेरे भाई, मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, कोई भी जज या कोई भी कोर्ट तेरे होते हुए उसकी कस्टडी किसी और को नहीं दे सकता। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, अब हमें ऐसे निराश नहीं होना है और हम इस मुश्किल को भी पार कर लेंगे, और देखना इसका भी हल जरूर निकलेगा। मैं जानता हूँ मेरे भाई, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, बस तू हिम्मत मत हारना मेरे भाई। देख मैं मानता हूँ जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन ऐसा कितने दिन तक चलेगा? कभी ना कभी हमारा भी दिन तो आएगा। सही कह रहा है, सही कह रहा है तू। ये हुई ना बात मेरे भाई, चल अब जल्दी से उठ जा, ओइकू के पास चलते हैं बिना वक्त गवाए, चल। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, हम लड़ेंगे। बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, थैंक यू मेरे भाई, तू और ओइकू मेरे लिए सब कुछ है, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, चल अब जल्दी से, ओइकू हमारा वेट कर रही होगी। हाँ, जरा ये कपड़े पकड़। ओइकू ने मुझे बिल्लियों को खाना खिलाने को कहा है, तो क्या हुआ रे? मुझे कुछ याद आया, ओइकू एक छोटे से पप्पी को हमारे पुराने वाले घर पर लेकर आई थी और तूने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया था। नहीं, मैंने उसे तकिए पर रख दिया था, ऊपर वाले का शुक्र है उसने ओइकू को मेरे पास भेजा और अब वो मेरी बच्ची है। हाँ। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, चल जाने दे, मैं जा रहा हूँ। हाँ, हाँ, ये जल्दी से रखते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो ओइकू अभी से खा लो, बस थोड़ा ही बचा है, इसे पूरा खत्म करो। ठीक है जानदान दीदी, क्या अब हम पापा को फोन करें? मुझे उनकी याद आ रही है। वो आ जाएंगे, पर तुम कह रही हो तो मैं करती हूँ। देखो आ गए पापा। हाँ बेटा, मैं आ गया। मुझे आपकी चिंता हो रही थी, आप कहाँ चले गए थे? वो थोड़ी ट्रैफिक थी ना बेटा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया मुझे। ठीक है, तुम्हें पता है मैं किसे ले आया हूँ? किसे? हाँ, पेलिन कह रहा था उसे तुम्हारी याद आ रही है तो मुझे भी ले चलो, तो मैं मना नहीं कर पाया। अरे क्या कर रही हो तुम, खाना खा लिया? वेरी गुड, इसने पूरा खाना भी खा लिया और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन्स भी खा ली है। ओइकू तुम ये सब खत्म करो, ठीक है? मैं तुम्हारे पापा से बाहर बात कर रही हूँ। जानदान दीदी,
आप हमेशा बात करने के लिए बाहर क्यों जाती हो? मेरे सामने बात करो ना, मुझे भी सुनना है। हम बस अभी आते हैं, बस अभी आते हैं। वो ऑरेंज खत्म करो, चलो जल्दी से। ठीक है। क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? देमिर, आपके जाने के बाद यहाँ पर आंसू ओइकू से मिलने आई थी। क्या? लेकिन कैसे आप ये क्या कह रही हैं मिस जानन? आंसू यहाँ आई थी तो आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो ज्यादा देर नहीं रुकी देमिर, उसे ओइकू की फिक्र हो रही थी तो देखकर चली गई। रुकती तो मैं आपको कॉल करती ना। उसे किसी की भी फिक्र नहीं है और हम यहाँ पर सिर्फ उसी की वजह से है। क्या क्या किया उसने? उसने मेरी बच्ची को कुछ किया क्या? कुछ बकवास बातें तो उसने नहीं की? मुझे जरा खुल के बताइए कि उसने क्या क्या बकवास की, क्या बातें की उसने? देमिर, आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो ओइकू परेशान हो जाएगी। आंसू ओइकू की माँ है, फिर वो आपको पसंद हो या ना हो, मेरा मतलब उसका यहाँ आना, आपके घर पर आना बहुत नॉर्मल है। वो ओइकू को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया मिस चंदन, उसे ओइकू बस पैसों के लिए चाहिए और कुछ नहीं। ये मुझे पता है देमिर, पर ओइकू को नहीं। ओइकू के लिए तो उसकी माँ उसे देखने के लिए आई थी, उसके लिए शांत रहिए। आप आंसू से झगड़ा करेंगे तो ओइकू हर्ट होगी और ये ठीक नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो, हमें ओइकू को खुश रखना होगा देमिर। डॉक्टर ने कहा है ना कि ओइकू का खुश रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। गुस्से में आप उसे कैसे खुश रखेंगे? देमिर, मैं समझ सकती हूँ आप क्या फील कर रहे हैं, पर कई बार सही होने से ज्यादा खुश होना जरूरी होता है। चलिए अब मुझे चलना चाहिए, मुझे एक पेशेंट को चेक करना है। मैं आपके आने का ही इंतजार कर रही थी। कल सुबह एक पेशेंट के बाद हम दोनों बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, काम कल बात करते हैं। देमिर, आज बहुत सारी बातें इतनी जल्दी जल्दी हो गई, पर उनमें से एक बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। मैंने स्कूल हॉल में किसी को देखा था। किसको? याद है वो चोर जिसे आपने मेरे घर में पेंटिंग चुराते हुए पकड़ा था? बिल्कुल उसी तरह दिखने वाला एक शख्स। क्या कह रही है? वो बस दिख नहीं रहा था, मुझे यकीन है कि वो वही था। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पर देमिर, वो चोर आखिर वहाँ पर क्यों होगा? वहाँ तो सब पेरेंट्स थे, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी और सारे बच्चों के पेरेंट्स एक ही जगह पर जमे हुए थे, तो हो सकता है गलतफहमी हुई है। आपको यकीन है? ये मुझे नहीं पता, पर वो चोर उस जैसा ही दिख रहा था। पता नहीं कौन था, लेकिन मैं उस आदमी के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। आपको उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना। ठीक है, मुझे चलना चाहिए, मैं अपना बैग ले लेती हूँ। ठीक है, चलती हूँ। ओके, बाय। आंसू, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि तुम्हारे साथ बोर हो जाऊंगी, इसलिए। मुझे अकेला रहना पसंद है जमाल, और तुम जो भी कह रहे हो वो सब तो मैं कर ही रही हूँ ना, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ ना, तो अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए इन सब से, मैं बोर हो गई हूँ। हाँ ठीक है, पर कोई ड्रिंक नहीं। ओके ठीक है, अब तुम मेरे अलावा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ओके बाय, सी यू, गुड बाय।
तो क्या आप सच में यहाँ रहती हो? क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं पसंद आया, क्योंकि ये जगह बहुत ही गंदी है। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। चलो पेलिन को यहाँ लाओ। पेलिन लाओ बेटा, लाओ मुझे तो। अब मैं जाकर तुम्हारे डिस्चार्ज की प्रोसेस पूरी करके आ जाता हूँ, ठीक है? तब तक तुम यहीं पर लेटी रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके ठीक है पापा, कहीं पर जाना मत, यहीं रुकना। आ रहा हूँ। हेलो हेलो, देखिए मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, उसका नाम क्या है? देखिए मुझे लगता है मैं पूरी अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इसे इंस्टॉलमेंट में भर सकता हूँ? नहीं सॉरी, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वो तो बंद हो गया है, कब का क्या करूँ? देखिए मैं क्रेडिट कार्ड तो यूज नहीं करता, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड रख कर जाऊँ और फिर बाद में पे कर दूँ धीरे धीरे? सॉरी ये नहीं हो सकता है, विदाउट पेमेंट पेशेंट डिस्चार्ज नहीं कर सकते हम। अच्छा मुझे कितना पे करना है बताएंगे? मैं चेक करती हूँ, पेशेंट का नाम क्या है? ओइकू गोक तुर्क। सर आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, आप मिस्टर मुरत के स्पेशल गेस्ट हैं, यहाँ शो कर रहा है। क्या कहा? आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है क्योंकि आप मिस्टर मुरत के स्पेशल गेस्ट हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। Come in. Dimir, aa jao. Please, baitho. Oiku kaisi hai? वैसे ईशान से मेरी बात हो गई है। तो तुम्हें सब पहले से ही पता है? उसे आज डिस्चार्ज मिल जाएगा। सॉरी मैं मिलने नहीं आ पाया, मुझे कुछ सर्जरीज भी करनी थी, मैं जानदान से भी मिल नहीं पाया। थैंक यू मुराद, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस ओइकू का ख्याल रखो। नहीं डर तो है, मैं पैसे लौटा दूंगा। देवीर तुम चाहकर भी कंस्ट्रक्शन के काम से ये पैसा नहीं चुका पाओगे। मेरा वो मतलब नहीं था, एक्चुअली जानदान से मेरी बात हुई तब उसने मुझे तुम्हारे काम के बारे में बताया था। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं एक्स्ट्रा जॉब कर लूंगा और पैसे लौटा दूंगा। देखो देवीर ये सब मैं ओइकू की हेल्थ के लिए और जानदान को खुश देखने के लिए कर रहा हूँ, तुम पर एहसान नहीं कर रहा, सो इसलिए तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते ये सोचकर अपसेट होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच अगेन। यू आर वेलकम। हाँ दरवाजा बंद करो। ठीक है, करो 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 बंद करो। पापा मेरे साथ यहाँ पर कौन रहने आएगा? पापा बताओ ना कौन रहेगा यहाँ? क्या कहा? जानदान दीदी या उर्क कौन रहेंगे? उर्क रुकेगा तुम्हारे साथ। अगर अचानक जानदान दीदी आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? देखो ये तो सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है बेटा। चलो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर लेटा दो। पापा मुझे मेरा रूम देखना है। अच्छा तुम्हें रूम देखना है, तो देखो ये देखो सब कुछ सही है। चलो आ जाओ। पापा क्या मैं यहाँ पर सोऊंगी? हाँ क्यों नहीं, तुम जरूर सो सकती हो, और अगर बोर हो गई तो रूम में टीवी है तो टीवी भी देख सकती हो। वाह। अच्छा देखो
तुम्हारे लिए तकिया और कंबल लेके आता हूँ, तुम कहीं पर मत जाना, ओके? समझ गई ना? ठीक है। अरे कहाँ है? अच्छा सुनो, डॉक्टर ने क्या कहा तुम जानती हो क्या? तुम्हें रेस्ट करना है, खड़ा नहीं होना है, नो जंपिंग, कुछ नहीं। अब मैं उर्क को कहूंगा कि तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखे, ठीक है? ठीक है पापा। तुम मुझे पापा क्यों बुलाती हो बेटा? ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाता हूँ, हाँ? उर्क मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक है? मैं बस अभी आया। पापा, हाँ? आपको उसमें हनी भी डालना चाहिए। ज्यादा बात मत करो बेटा, और मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तुम ज्यादा सिखाओ मत, मुझे पता है। ठीक है। हेलो, तुम कहाँ हो देमिर? आज तो हमें सामान लेकर आना था। सर मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल से घर ले आना था। ठीक है, लेकिन तुम आओगे कब तक? आज मकान मालिक आने वाले हैं, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। इस तरह से काम नहीं चलता। ठीक है चीफ, मैं आता हूँ, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। पापा उसे और बॉइल मत करो। ठीक है। अरे देमिर, गलत टाइम पे फोन मत कर यार। मिस्टर उर्क, हेलो, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कहाँ गायब हो गए थे, दिखे नहीं। हाँ मैं जानता हूँ कि ये बहुत बुरी बात है। वो क्या है कि मैं किसी अर्जेंट काम से बाहर चला गया था, इसलिए आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, और एक्चुअली मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। लेकिन था। ये बहुत बुरी बात है मिस्टर उर्क, ओइकू अचानक बेहोश हो गई थी, मैं अस्पताल से आपको कॉल कर रही थी लेकिन आप उठाई नहीं रहे थे। जानता हूँ, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, एक्चुअली इतना अर्जेंट कॉल था कि मैं वहाँ से किसी को बताए बगैर चला गया, और मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। बताइए क्या सोच रही थी। क्या सोच रही होंगी हाँ वही, क्या सोच रही होंगी, मेरा मतलब। गुड मॉर्निंग, कैसी है? मिसेस दीदम, गुड मॉर्निंग, कैसी है आप? हाँ मैं अच्छी हूँ, पर आपको तो पता ही होगा चैरिटी सेल इशू, इमल की भी तबीयत खराब हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करे, बस इतनी सी बात। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर आप ऑर्गेनाइज करने में मदद कर पाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। मैं देखती हूँ मेरी तरफ से क्या कर सकती हूँ। ठीक है, क्या हम स्कूल के बाद इस बारे में बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, फिर मिलते हैं। तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि तुम क्या सोच रही होगी, जाहिर है कि तुम मेरे बारे में सोच रही थी, तो मैं कितना लकी हूँ ना। मैं कुछ समझी नहीं। नहीं मेरा मतलब है कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। आपके कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर मैं चैरिटी के लिए कुछ करूँ तो। नहीं, आपको प्रॉब्लम होगी मिस्टर उर्क। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ये कर लूंगा, मैं इसे अपनी ड्यूटी समझकर करूंगा, और क्या। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे साथ इस काम में आप भी जुड़ी हैं, तो ऐसे में मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, आप ही बताइए। ठीक है, पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि लेट आना, गायब होना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। शायद आपको ये बात नहीं पता कि आप मेरे लिए कितनी कीमती हैं। ओ डियर, मेरा मतलब टीचर, मैं कह रहा था कि हम मिलकर काम करेंगे। ओके ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए, क्योंकि ऐसे इवेंट्स के बारे में मुझे ही नहीं पता। हाँ क्यों नहीं, लेकिन कहीं वो जानदान आ गई तब क्या होगा। क्या कहा? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ना आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओके सी यू, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं जाकर इस इवेंट के बारे में सीखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, तो फिर आप सीख लीजिए, फिर आप मुझे सिखा दीजिएगा। नहीं, पहले आप मुझे कॉल कीजिएगा, हम साथ में बैठकर सीख लेंगे। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टाइम पे खाइएगा, टाइम पे सोइएगा, मैं चलता हूँ, बाय। ओके सी यू।